क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर। ओके 4.1 प्रीवियस वीडियो में हो चुके थे क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर। ठीक है, आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन दिए गए नंबर्स के बीच में। दे आर -1/5 एंड -4/13, इसके बीच में 4 नंबर निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहले नीचे जो नंबर्स है उनको सेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 का मल्टीप्लाई इनमें से होगा 5 का इनमें से, तो करते हैं -1/5 13 × 13 यहाँ हो गया, और यहाँ -4 13 का यहाँ पर 5 × 5। जैसा आपने देखा नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इससे होगा क्या, नीचे वाले नंबर सेम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा दोनों तरफ 65 65 आ गया। ठीक है, सेम नंबर होने से क्या हुआ, अब हम इजीली यहाँ पर इनके बीच में 4 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा हो गया -14/65, देन -15/65, -16/65, -17/65। तो इस टाइप से हमने 4 रेशनल नंबर निकाल दिया। और अगर नहीं भी निकलते तो हम मल्टीप्लिकेशन से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं, आपको नीचे के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उससे सेम बनाना है, देन चेक करना है कि नंबर निकल रहे हैं या नहीं। यदि नंबर नहीं निकलते तो आप 10 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 100 का भी कर सकते हो। नाउ इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 12 है, एज इट इज 13 भी है, बट इसमें 5 निकालना है। तो करना वही है, हमारी प्रोसेस है, नीचे वाले नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने -3/8 × 7 × 7, ये कर दिया हमने। यहाँ पर हो गया 40 56, यहाँ पर हो गया 21 56। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर -21 के बाद फिर -22 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, या फिर 40 से कम ले लेते हैं -39 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें 5 से भी ज्यादा नंबर इजीली इनके बीच में मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बोलते के बीच नाम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, ये आपको एग्जांपल में मिल जाएगा कॉपी के। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.2। एक बार चेक कर लीजिए इसे अच्छे से। ओके, 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन इज सम द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्लस करना है हमें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस करने को बोला तो है, लेकिन यदि होता है तो भी प्लस करेंगे हम, यदि माइनस होगा तो हम माइनस भी करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर दो साइन एक साथ दिख रहे हैं, सबसे पहले कोई सा एक साइन लगेगा, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का साइन हम लगाते हैं, कोई सा भी एक साइन आपको लगाना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो सेम नंबर है तो इजीली वही एलसीएम होगा। यदि डिफरेंट डिफरेंट हो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में होगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आया 40, यहाँ पर ऊपर वाले नंबर एलसीएम लिखेंगे हम, फिर माइनस होगा 5 से 3 गए माइनस का 2। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि साइन का इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पर साइन यदि माइनस में आ रहा है तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, यहाँ पर भी 2 साइन एक साथ आ रहे हैं तो एक ही साइन लगेगा, 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3/20। ठीक है, तो सो यहाँ पर हमने देखा एलसीएम इज 20 70 -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो गया -20/20, यानी कि इसको -1 भी हम बोल सकते हैं। यदि नीचे दिख नहीं रहा तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर -2/14। चाहो तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, तो भी शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि बहुत इजी है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे के नंबर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, इसे देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।